नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल शिक्षा अकेडमी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में 26 जुलाई का करंट अफेयर्स। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, मानवाधिकार संगठन ग्लोबल विटनेस की कितने देशों पर आधारित रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 में रिकॉर्ड 207 पर्यावरण बिंदु और भूमि बिंदु की हत्या हुई है। दोस्तों, यह रिपोर्ट कितने 22 देशों पर आधारित है। इसके बाद चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला है, खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने दक्षिण एशियाई खेलों में 2008 में जो हुए थे वन भारत को कितने स्वर्ण पदक दिला चुके पूर्व तीर अंदाज अशोक सोरेन को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मंजूर की है। तो उन्होंने कितने पदक जीते थे? तो दोस्तों, उन्होंने पदक जीते थे, 2 पदक जीते थे। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत और युगांडा ने 24 जुलाई 2018 को रक्षा सहयोग सांस्कृतिक कार्यक्रम और सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला के क्षेत्र में कितने समझौतों या ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत ने रवांडा के आर्थिक विकास के लिए उनको कितने करोड़ डॉलर की ऋण सुविधा की मंजूरी दी है? दोस्तों, इसका आंसर है 20 करोड़ डॉलर की मंजूरी दी है भारत ने रवांडा देश को। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। मोम लिंचिंग्स की जाँच हेतु किस के अंतर्गत उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है? तो दोस्तों, यह केंद्रीय गृह सचिव के अंतर्गत समिति गठन की गई है, केंद्रीय गृह सचिव के अंतर्गत। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस राज्य सरकार ने सेब खरीद के लिए MIS योजना की शुरुआत की है? MIS योजना की शुरुआत की है दोस्तों, वह प्रदेश का नाम है हिमाचल प्रदेश। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की केंद्रीय अनुमोदन एवं निगरानी समिति CSMC की बैठक 36वीं बैठक कितने राज्यों के लिए 2,67,546 मकानों को मंजूरी दी गई है? तो दोस्तों, यह 10 राज्यों के लिए है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा घोषित स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 कार्यक्रम 13 जुलाई 2018 को किन 3 राज्यों में लॉन्च किया गया है? दोस्तों, वह राज्य हैं उत्तर प्रदेश, झारखंड और महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है, किस राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ओडिशा फिल्म उद्योग के लिए वित्त मंत्री SB बेहरा की अध्यक्षता में एक समिति की स्थापना की है? दोस्तों, इस राज्य का नाम है ओडिशा राज्य। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। 12 बार के ओलंपिक पदक विजेता अमरीकी तैराक रायन लोलचटे पर US एंटी डोपिंग एजेंसी ने कितने महीने का प्रतिबंध लगाया है? तो उन्हें 14 महीने का प्रतिबंध लगाया है। इसके बाद इसके साथ ही दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, बाय।